बीजेपी सरकार में मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा ने तो इशारों ही इशारों में बड़ी बात कह दी। एक व्हाट्सएप मैसेज के हवाले से उन्होंने कहा कि गोवा के समंदर से उठा मानसून कर्नाटक होते हुए अब मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। कर्नाटक और गोवा में कांग्रेस को झटका देने वाली बीजेपी क्या अब ममता दीदी की नींद उड़ाने वाली है? क्या बीजेपी अब बंगाल में बड़ा उलटफेर का मंसूबा बना रही है? ये सवाल बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय के सनसनीखेज दावे के बाद उठ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में सीपीएम, कांग्रेस और टीएमसी के कुल 107 विधायक बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में हैं। 107 विधायक देखो जरा दल দেখি গো যারা এমনি দেখে দেবে তবু ভাই কিছু ব্যাপার নাই আমার, কারণ আজ দেখলেও দেখবে কাল দেখলেও দেখবে, অতএব এটা কোনো ব্যাপার নাই। কিন্তু 107 বিধায়ক দল ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তৃণমূল আছে, সিপিএম আছে, কংগ্রেস আছে, সব মিলিয়ে আছে 107। বেশি তৃণমূল স্বাভাবিকভাবে সংখ্যা ওদের বেশি। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने बंगाल में टीएमसी समेत दूसरी पार्टियों के विधायकों की टूट का दावा किया है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ममता बनर्जी की पार्टी के 40 से ज्यादा विधायक बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और वो हमारे संपर्क में है। बंगाल भाजपा प्रभारी कैलाश विजय वर्गीय भी लगातार दावा कर रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी विधायकों का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी रहेगा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक टीएमसी के 5 विधायक और 100 से ज्यादा पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। टीएमसी नेताओं में बीजेपी में शामिल होने की इस होड़ ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा रखी है। हालांकि वो खुद को इससे बेपरवाह बताने की हर मुमकिन कोशिश करती रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी में मची भगदड़ को लेकर ममता बनर्जी ने कहा था कि भ्रष्ट और लालची बीजेपी तृणमूल के कचरे को इकट्ठा कर रही है, कुछ नेता पैसा लेकर पार्टी छोड़ देते हैं तो परवाह नहीं। অনেকেই হয়তো এই দল ওই দল করেছেন, কিন্তু যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে গেছে, আমি এটা স্পষ্ট করে আপনাদের বলে দিচ্ছি, প্রত্যেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করছে এবং কাকে দল নেবে বা কাকে আগামী দিন দল নেবে না সেটা সাংগঠনিকভাবে আমরা আলোচনা করে আগামী দিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं, जिसमें टीएमसी के 211 विधायक हैं। दूसरे नंबर पर 44 विधायकों वाली कांग्रेस है, सीपीएम के 26 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के विधायकों की संख्या 3 है, जबकि अन्य विधायकों की संख्या 10 है। पश्चिम बंगाल में बहुमत के लिए 148 विधायकों की आवश्यकता है। ऐसे में अगर 107 विधायक बीजेपी में शामिल हो भी जाते हैं तब भी ममता बनर्जी की सरकार बची रह सकती है। हालांकि इस उलटफेर के बाद ममता बनर्जी सरकार के लिए पश्चिम बंगाल का गढ़ बचाने का खतरा और बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।